हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे दही। आप देख सकते हो बाहर जो हमें डेयरी में मिलता है वैसा ही दही हम घर पे बनाएंगे। और आज हम सिर्फ और सिर्फ दूध में से ही ये दही बनाएंगे। हम यहाँ पे दूसरा कोई भी चीज दूध में नहीं डालेंगे, हम इसे सिर्फ दूध में से ही बनाएंगे। अगर आप भी वीडियो में बताई गई सभी टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपका दही भी फर्स्ट ट्राई में एकदम बाहर जितना ही बढ़िया बनेगा। आप देख सकते हो ये एकदम बढ़िया दही बना है हमारा। तो चलिए आज बनाते हैं एकदम बढ़िया, आप पीसीस कर सके उतना टेस्टी दही। और ये दही खाने में बहुत ही मजा आता है। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 लीटर जितना दूध लिया है। दूध आप जो भी घर में आता हो वो ले सकते हो। यहाँ पे हो सके तो मलाई वाला यानी कि फुल फैट मिल्क ही लीजिएगा। जितना मिल्क गाढ़ा होगा उतना ही आपका दही अच्छा बनेगा। अगर आप यहाँ से पतला वाला यानी कि मलाई निकाला हुआ दही लेंगे तो भी चलेगा, आपका दही लो फैट वाला बनेगा। तो आपको लो फैट वाला दही चाहिए तो आप उसमें से दूध में से पहले मलाई निकाल लीजिएगा, फिर इसे जमाइएगा। तो मैंने यहाँ पे 1 लीटर फुल फैट मिल्क लिया है और इसे अच्छी तरह से गर्म करने के लिए रख दिया है। मैंने यहाँ पे कौन सा मिल्क लिया है वो आपको मैं लास्ट में बता दूंगी। आप देख सकते हो इसमें एक उबाल आ चुका है। हमें इसे बॉईल नहीं करना है, बस एक गर्म हो जाए उतना ही बॉईल करना है। तो मैंने अभी गैस बंद कर दिया है और इसे हमें ठंडा करना है। तो हम इसे फटाफट ठंडा करने के लिए एक परात में मैंने यहाँ पे आइस क्यूब्स ले लिए हैं। आप यहाँ पे आधा आइस क्यूब्स और आधा पानी भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे 3 ट्रे आइस क्यूब्स की डाल दी है और इसमें मैंने अपना दूध भी रख दिया है ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। और ऊपर से हम इसे चलाते रहेंगे ताकि ऊपर भी हमें यहाँ पे मलाई ना बने। तो आप ऊपर से भी चलाते रहिएगा और नीचे से भी ये ठंडा हो जाएगा। तो ये 10 से 15 मिनट में आप देख सकते हो ठंडा हो जाएगा। हमें यहाँ पे बहुत ठंडा भी नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे अपनी उंगली डाल के चेक कर लीजिएगा। आप उंगली से सहन कर सकते उतना ही आपको यहाँ पे गर्म चाहिए दूध। आप यहाँ पे कोई भी सीजन में बना रहे हो, विंटर हो या समर, आपको चेक करना है आपकी उंगली सहन कर सकते इतना ही गर्म चाहिए हमें दूध। अब इसमें हम दही डालेंगे। तो दही भी आपकी खट्टी नहीं होनी चाहिए, आपको जैसा दही बनाना हो वैसी ही दही चाहिए हमें यहाँ पे जामन के लिए। और साथ में यहाँ पे ध्यान रखेगा कि जो दही आप ले रहे हैं वो गाढ़ी होनी चाहिए, एकदम पतली नहीं होनी चाहिए, वरना हमारा दही पतला हो जाएगा। तो इसे हमें चम्मच से इसे फेंट लेना है। आप देख सकते हो हमारे चम्मच से ये दही फेंट के रेडी हो चुका है। हमें यहाँ पे ज्यादा जामन नहीं चाहिए। अगर आप 1 लीटर दूध ले रहे हो तो हमें यहाँ पे 2 चम्मच ही जामन चाहिए। तो मैंने यहाँ पे खाने की वाली जो चम्मच आती है वो ले ली है और ये 2 चम्मच इतना डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें 1 मिनट तक इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, फिर हम इसे सेट करने के लिए रख देंगे। अगर आपको इसे ही बर्तन में ही सेट करना हो तो इसे ढक्कन रख ढक के आप साइड में रख सकते हो। और आपको इस तरह से माटी के बर्तन में इसे जमाना हो तो आप इसे माटी के बर्तन में भी ट्रांसफर कर सकते हो। तो आप देख सकते हो मैंने इसे ट्रांसफर कर दिया है। अब हम इसे ढक के सेट होने के लिए छोड़ देंगे। अगर आप ठंडे प्रदेश में रहते हो, आपके यहाँ पे ठंडी बहुत ज्यादा होती है, तो आप इसे ओवन में इसकी लाइट स्टार्ट करके रख दीजिएगा। ओवन को स्टार्ट करने की जरूरत नहीं, बस उनकी लाइट ही स्टार्ट कर दीजिएगा तो भी ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। अगर आप ऐसा ना करने चाहे तो आप इसे गर्म कपड़े में भी लपेट के रख सकते हो। और साथ में अगर इस तरह से गर्मियाँ पड़ रही हो और आपको दही जमाना हो तो आप इसे प्लेटफॉर्म पे ही रख सकते हो। ये 5 से 6 घंटे में आराम से सेट हो जाएगा, प्लेटफॉर्म पे भी सेट हो जाएगा। तो मैं इसे प्लेटफॉर्म पे ही 5 से 6 घंटे के लिए रख दूंगी। तो आप देख सकते हो 5 से 6 घंटे के बाद मैंने इसे फ्रीज में 2 घंटे के लिए रख दिया था ताकि अच्छी तरह से ठंडा हो जाए और ये हमारा सेट हो जाए दही। जब भी आप दही बनाओ तो आप इसे फ्रीज में 1 से 2 घंटे के लिए जरूर रखिएगा ताकि ये एकदम अच्छी तरह से चिल हो जाए और इसमें से अच्छी तरह से आप पीसीस कर सको। आप देख सकते हो मैंने यहाँ से चम्मच से इसे निकाला है और ये अच्छी तरह से आइसक्रीम के जैसे निकल रहा है और इसका हम पीसीस भी कर सकते हैं, इतना गाढ़ा बना है। अब जेली जैसा ये दिख रहा है। अगर आप ये सभी टिप्स और ट्रिक्स को ट्राई करेंगे तो आपका दही भी फर्स्ट ट्राई में ऐसा ही जमेगा।
तो आप इस तरह से जरूर बनाइएगा दही, फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और साथ में आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमें फॉलो जरूर कर दीजिएगा। आप देख सकते हो एकदम गाढ़ा दही बना है, तो आप ये समर में जरूर ट्राई कीजिएगा इस तरह के से दही जमाना। और मैंने यहाँ पे A2 मिल्क, बफेलो मिल्क आता है, मैंने वो लिया है। आप इसकी जगह कोई भी मिल्क ले सकते हो, तो आप एंजॉय कीजिए ये समर में ये ठंडी ठंडी दही। हम मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।